क्वेश्चन नंबर 21 ये दे रखा है आपके, कंस्ट्रक्ट करना है हमें 5, 6, 7 एक ट्रायंगल दे रखा है। तो पहले हम बनाएंगे कटर, बनाएंगे पहले कटर से रफ बनाएंगे, पहले एक त्रिभुज बनाना है हमें ए बी और सी, इसकी तीन भुजाएं दे रखी है 5, 6 और कितने दे रखी है 7, तीन साइड दे रखी है। हमें क्या करना है, इसका 7/5 बनाना है, ऊपर संख्या बड़ी है, इसका चित्र कौन सा बनेगा, चित्र थोड़ा बड़ा बनेगा। तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले बनाएंगे हम 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले खींचेंगे हम कितनी 6 सेंटीमीटर, इसका नाम क्या होगा आपके बी और ये होगा आपके कितना सी। फिर क्या देखो 5 सेंटीमीटर, प्रकार कितना लेंगे हम 5 लेंगे, यहाँ से प्रकार 5 लेंगे और यहाँ 4 काट देंगे, यहाँ से कितना काटेंगे हम 5, फिर यहाँ से कितना काटेंगे हम, ये दे रखा है 7, तो ये 7 काटेंगे यहाँ से, यहाँ से काटेंगे 5 और यहाँ से काटेंगे 7, जो ये पॉइंट आएगा उसको क्या लिखेंगे हम ए लिखेंगे, ये जो लाइन होनी चाहिए मिला दो दोनों को, ये कितनी होनी चाहिए आपके, ये होनी चाहिए 7, ये नाप 7 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए आपके 5 होना चाहिए, ये हो गया आपके 5, 6 और 7। पहले जो आकृति देगी वो आकृति बनानी है, फिर पूछा है 7/5, तो 7/5 में क्या करना, देखो ध्यान दो इसमें बड़ा कौन सा है 7 बड़ा है, क्या करते पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे तिरछी लाइन, फिर बड़ी संख्या कौन सी है आपके 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 7 चाप काटेंगे एक ही नाप के, पहले यहाँ प्रकार रखो फिर ये चाप काट दो 1, फिर यहाँ प्रकार रखो और यहाँ से चाप काट दो, फिर यहाँ प्रकार रखो और यहाँ से 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हो गया 7। हमेशा हर बार मिलाना है जो संख्या नीचे दे रहेगी डिनोमिनेटर में उस संख्या को फर्स्ट, इसको मिलाएंगे पहले, तो ये है नंबर, जैसे ये हो गया B1, B2, B3, B4, B5, ये B6 और B7। आप चाहो तो सी तो आ गया है, DEFGH कुछ भी लिख लो, नाम अलग होना चाहिए, इन तीनों नाम से अलग होना चाहिए। सबसे पहले मिलाएंगे 5 नंबर को, ये रहा 5 नंबर, इसको इसको क्या करेंगे हम मिला लेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे। अब क्या करना है, देखो चित्र हमेशा बड़ा बनेगा, ऊपर से बड़ी है तो क्या करेंगे इधर लाइनों को बढ़ाएंगे और इधर इस लाइन को क्या कर देंगे हम बढ़ा देंगे। अब स्केल को देखो ध्यान से, ये जो गैप है आपके बिल्कुल एक समान गैप से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल पैरेलल, मतलब ये जो कोण बन रहा है सेम ये कि ये कोण आपको यहाँ बनाना है, जो कोण वहां बन रहा है वो के वो कोण आपको यहाँ बनाना है, मतलब ये जो गैप है लगातार इक्वल होना चाहिए, ये जो कोण है ये कोण बराबर होना चाहिए आप कैसे बनाओ, ये दोनों कोण बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। फिर जो कोण यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे यहाँ अगर मान लो 40 डिग्री है तो यहाँ भी कितने बनाने हैं आपको 40 डिग्री बनाना है, जैसे ये बनना है ये वाला, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए आप फिक्स 40 डिग्री होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए सेम, तो ये लाइनें क्या होनी चाहिए बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, इन लाइनों में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन आपसे मिल रही हो, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए और ये लाइन आपस में, ये लाइन अलग पैरेलल होगी और ये लाइन अलग से पैरेलल होगी, यहाँ वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होना चाहिए, अगर ये आपके 40 है तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री, अगर ये आपके 30 है तो ये भी क्या होगा 30, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये वाले सेम होने चाहिए, जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो लाइन क्या होंगी आपके पैरेलल, जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो लाइंस क्या होंगी आपके पैरेलल होंगे। अब फॉर्मेलिटी करनी है, यहाँ से प्रकार रखो ऐसे चाप काट दो प्रकार से, फिर यहाँ चाप काट दो, फिर यहाँ रखो यहाँ चाप काट दो, यहाँ रखो यहाँ चाप काट दो, फिर क्या करना है केवल ऐसे ही मिलाना है लाइनों, ऐसा लगना चाहिए किससे बनाए प्रकार से बनाए, जबकि हमने किससे बनाया है ऐसे ही स्केल से और चांदे से बनाया हुआ जैसे लगना चाहिए।